बहुत सारे लोग ओवरथिंकिंग से सफ़र कर रहे हैं। आई नो, बार बार ये दिमाग सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, एक थॉट से दूसरा थॉट, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। साइंस कहती है कि हमें दिन में इन 24 घंटों के अंदर, 24 भी नहीं एक्चुअली, 15-16 घंटों के अंदर कम से कम 60 से 80 हज़ार थॉट्स आते हैं। हो क्या रहा है, इन थॉट्स के चक्रव्यूह में हम फंसते चले जा रहे हैं। इधर तो मैं आप सबसे कहूँगा, पहले तो समझते हैं कि थॉट्स का जो कंपल्सिवली आना है ये एक्चुअली किसी बीमारी से कम नहीं है। बहुत सारी किताबों में लिखा गया है दैट मेंटली व्हेन यू कीप थिंकिंग अबाउट समथिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दिस मेंटल कंपल्शन इज नो लेस देन अ डिजीज, इट्स अ माइंड डिजीज। लोगों को लगता है कि ओवर थिंकिंग बड़ी कॉमन हो गई है। ओवर थिंकिंग कॉमन इसलिए लगती है क्योंकि सब लोग सफ़र कर रहे हैं, बट सब लोग सफ़र कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिजीज़ नहीं है। इट इज़ अ डिजीज। डिजीज़ का मतलब है कि एनी थिंग विच मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, वेयर यू आर नॉट एट ईज विद समथिंग विच मेक्स यू अनकम्फर्टेबल। अब ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे आना, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल टिप दूंगा जो मैंने एकर टोले की जो किताब है पावर ऑफ नाउ में से पढ़ा है, और ये आई एम श्योर आपके भी काम आएगा क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर चुका हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, इस बात को अपनी आत्मा और अपने जहन में बसा लें और आपको ज़िंदगी भर इसे फॉलो करना। दैट्स वेयर यू कैन गेट रिड ऑफ दिस मेंटल कंपल्शन ऑफ थॉट्स और ओवर थिंकिंग। और ये बात क्या है, ये बात है डू नॉट टेक योर थॉट्स सीरियसली। मतलब बहुत सारे थॉट आएंगे, जैसे मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, अचानक से थॉट आ गया एक काम करता हूँ कि मैं किचन में चला जाता हूँ पानी ले आता हूँ, शायद मुझे प्यास लग रही है, ये भी एक थॉट है। फिर किचन में जाऊँगा तो थॉट आएगा एक काम करता हूँ उसका फ़ोन नहीं आया था उसको फ़ोन कर लेता हूँ, ये भी एक थॉट है। फ़ोन के पास जाऊँगा फिर अचानक से लगेगा कोई आवाज़ आई है क्या, ऐसा लग रहा है घंटी बज रही है, तो एक काम करता हूँ दरवाज़े के पास जाता हूँ, दरवाजे के पास जाऊँगा फिर ऐसा लगेगा अच्छा नीचे देख लेता हूँ बालकनी में कि कुछ लोग वॉक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नीचे देखने की कोशिश करूँगा, फिर ऐसा लगेगा एक काम करते हैं मैं घर में बैठा हुआ क्या कर रहा हूँ मैं भी वॉक कर लेता हूँ। तो हो क्या रहा है, फ्रॉम वन थॉट लीड्स टू अनदर थॉट लीड्स टू अनदर थॉट लीड्स टू अनदर थॉट एंड हम इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा डू नॉट टेक योर थॉट्स सीरियसली। इन थॉट्स का सीरियसली लेना ज़रूरी नहीं है, यू नो ट्रीट इट लाइक जैसे आप एक बड़े हैं, एक अडल्ट हैं और सामने एक बच्चा है। बच्चा क्या होता है, छोटा सा बच्चा होता है, गार्डन में पार्क में खेल रहा होता है, कभी इधर उड़ंगी मारता है कभी उधर उड़ंगी मारता है, कभी इधर घूमता है कभी इधर गिरता है, कभी वहाँ जाता है कभी यहाँ जाता है। आप सिर्फ उस पर एक नज़र रख रहे होते हो कि कहीं उसको तकलीफ ना हो, कहीं वो चोट खा के गिर ना जाए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। यू जस्ट कीप एन आई ऑन दैट चाइल्ड, एग्जैक्टली द सेम थिंग, ये चाइल्ड आपका थॉट है और आप एक अडल्ट हैं। आप इस थॉट पे बस एक नज़र रखें कि ये क्या से क्या खेल रहा है, पहले यहाँ जाता है फिर यहाँ जाता है फिर यहाँ जाता है फिर यहाँ जाता है, ऐसे इधर से उधर अड़ंगियाँ मार रहा है, मतलब वो मंकी माइंड की तरह, कभी मंकी की तरह यहाँ जंप करता है फिर वहाँ जंप करता है फिर वहाँ जंप करता है फिर वहाँ जंप करता है। यू जस्ट कीप एन आई, डू नॉट टेक इट सीरियसली। अपने थॉट्स को सीरियसली लेना बंद करें, क्योंकि जितना हम थॉट को सीरियसली लेते हैं ना उसके चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं, इधर से उधर थिंकिंग स्टार्ट्स टू हैपन। तो जो भी थॉट आ रहा है उसको सीरियसली ना लें, बस इतना ही कहूँगा। उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना, आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। यू जस्ट कीप ऑब्जर्विंग इट, बी अवेयर ऑफ इट एंड अपना जो काम कर रहे हैं करते रहें। कीप योर सेल्फ बिजी विद समथिंग और द अदर, क्योंकि हम दो चीज़ें साथ साथ नहीं कर सकते, या तो हम खाली बैठ सकते हैं या हम कोई काम कर सकते हैं। जब हम खाली बैठते हैं तभी थॉट आता है, जब हम बिजी रहते हैं किसी काम के अंदर तो हमारा पूरा ध्यान पूरा दिमाग एक ही जगह पर स्थिर रहता है। दैट्स वेयर योर थॉट्स विल स्टार्ट टू सेंटर देमसेल्फ, स्टार्ट टू अलाइन देमसेल्फ, स्टार्ट टू फोकस देमसेल्फ। जब खाली दिमाग होगा जैसे ही ब्रेक लेंगे बीच में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, उन थॉट्स को सीरियसली नहीं लेना। गेट बैक टू योर वर्क, स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्टार्ट वर्किंग वट एवर यूर डूइंग। सो द सिंपलेस्ट वे इज डू नॉट टेक योर थॉट्स टू सीरियसली। ट्राई करेंगे तो बेनिफिट होगा और आप इस कंपल्सिव थिंकिंग से बाहर आ पाएंगे और प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट कमिंग बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, लाइफ विल बिकम ब्यूटिफुल, हैप्पी, जॉयफुल एंड blissful. Thank you so much. Be sure. Be grow.